नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो मुझे लोअर बॉडी के साथ। खमागड़ी होगम, आप देख रहे हैं राजस्थानी रिएक्शन, आपका अपना चैनल, नहीं वैसे तो मैं करता हूं लेकिन आपका भी तो अपना ही है ना। फील लाइक होम यार, लाइक आई फील लाइक होम व्हेन आई सॉ एनी मराठी मूवीज ट्रेलर। तो बात आ है कि मैंने इंस्टाग्राम पर एक जनों जो है मारो सपोर्टर जो है मारो फॉलोअर जो है वो मैंने दगड़ी चाल 2 को ट्रेलर भेजियो, तो मैं क्यों यार आधा घंटा पहली तो शायद रिलीज हुआ है, तो आधा घंटा पहली मैं खाड़ियों खाणो मैं जीम रहे हो, तो मैं देखो यार आ तो आपड़ी वाली मूवी है यार, है अंकुश चौधरी यार अपना फेवरेट है ही, मैं तो कई नाम मकरन जी, तो मकरन जी और अंकुश जी को जो मूवी को, क्योंकि मैंने बहुत दिन हुई ई वाली मूवी का ट्रेलर को वेट हो, क्योंकि कारण कही है कि 2-4 दिन पहले एक गानों रिलीज हुआ रघु पिंजरा ताला, वो गानों तो पूरा देख लियो मैं, लेकिन धुन भी बहुत बढ़िया है, यान की बात नहीं है कि धुन बढ़िया नहीं है कि डांस बढ़िया नहीं है डांस भी मैंने बहुत चोको लागे है, तो डांस भी बहुत बढ़िया है, गानों भी बहुत बढ़िया, पर आपा गाना पे रिएक्शन करा नहीं है आपने पतो है, ठीक है सा। तो क्योंकि कई लोग कहे कि भाई साहब राजस्थानी हो तो राजस्थानी में बोलो, तो मैं राजस्थानी में तो बोल दी हूँ, आप कत्ता ने समझ में आयो कत्ता ने समझ में नहीं आयो वो राम जी जाने, ठीक है साहब। तो मैं कर रही हूँ दगड़ी चाल को रिव्यू, आई मीन रिएक्शन ट्रेलर को, थे हमारे साथ जुड़ा रहे हो, पसंद आवे तो लाइक कर दीजो सब्सक्राइब कर दीजो, और मैं इंस्टाग्राम आते भी हूँ तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है साहब। चला 2:18 दगड़ी चाल 2 ट्रेलर मकरन देशपांडे अंकुश चौधरी मंगल मूर्ति फिल्म्स 18 अगस्त को रिलीज होगी। गवली नाम का कोई गैंगस्टर नेता बन गया है हिंदी में, और अगर वो गैंगस्टर है तो अब तक हमने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जय शंभुनाथ। लोकांनी जर का त्यांना नेता म्हणून निवडले तर त्यांच्या मताचा आपण आदर नको ठेवायला? गृहमंत्री पद तुमच्याकडे आहे ना, टाका टाडा लावून। अच्छा टाडा लगा दिया कि जब तुम्हारे पास जब गृहमंत्री पद है तो तुम टाडा क्यों नहीं लगाते हो, ऐसे कुछ बोले ना ये? डॅडींना कोणीतरी अडकवण्याचा प्रयत्न करते। जो काही मॅटर आहे आपण बोलून सल्टवूया। ओलाना तेरे को निकल तू, नाही तो मैं तेरे को सल्टा देगा। अपने लड़के लोग को बोल देते कि तू दगडी चाल का आदमी है। मैंने वो सब काम छोड़ दिए, नवीन सुरुवात करायची म्हणून तिथून बाहेर पडलो, तरी तुझा एक पाय अजून तिथे। नवीन शुरुआत करनी है तो बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा एक पांव तो शायद चौल में ही है या पीछे ही है, ऐसा कुछ बोली है ये। सूर्या याला तैयार नहीं है, मैं बोल लो तेजस्वी। चुकीला माफी नाही, चुकीला माफी नाही। जल्दी से कमती हो जाए यहाँ से, डैडी तेरे को टपकाने के वास्ते लड़का लोग भेजा है। तुझे मला मदत हवी, तो हमारा दिमाग बन, हम तेरे ताकत। सूर्याच्या कुबड्या कोण झाला है बघा जरा। झाड काही विसरत नसते। बहुत बुरा किया डैडी तेरे साथ, उससे पहले डैडी को मैं उड़ाएगा। पहले तो मुझे ये बताइए कि इसमें एक सीन है जहां पे लास्ट, सबसे लास्ट वाला जो सीन है उसमें क्या सूर्या की जो वाइफ है गन शॉट में उसको मार दिया जाता है? क्योंकि आग चल रही है लास्ट वाले सीन में, अंकुश चौधरी है और एक उसके साथ में जो बंदा खड़ा है वो कहता है बहुत बुरा किया डैडी तेरे साथ, तो क्या यार इस तरह के सीन मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आते। गब्बर इज बैक में भी अक्षय कुमार की वाइफ को वो भूकंप वाली में गिर जाता है, अरे यार। कहानी अभी तक जो मुझे समझ में आई है वो ये है कि एक लड़का है जिसका गलती से डैडी यानी कि मकरन देशपांडे यानी कि अरुण गवली से पंगा हो जाता है। अब क्योंकि इन्होंने डैडी को एकदम रियल पोर्ट्रे किया है, डैडी नाम लिया है, एकदम ओरिजिनल नाम लिया है जो अरुण गवली को कहा जाता था, तो क्या ये इंसिडेंट अरुण गवली की लाइफ वाले हैं, बायोपिक टाइप का कुछ है या केवल एक
कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है उसके लिए मुझे फिल्म भी देखनी पड़ेगी और उसके लिए इसका बैकग्राउंड भी जानना बहुत जरूरी है। तो कहानी जो मैं समझ पाया वो ये है कि एक लड़का गलती से डैडी से पंगा ले लेता है, माफी भी मांगता है, जो मैंने ट्रेलर में शायद टीजर में भी देखा था, ये नहीं शायद ट्रेलर फर्स्ट में भी देखा था, माफी भी मांगता है लेकिन डैडी शायद माफ नहीं करते हैं, और फिर कोई तीसरी पार्टी होती है, ये वाला जो सीन है तू हमारा दिमाग बन और हम तेरी ताकत बनेंगे, तो तीसरी पार्टी बीच में आती है और तीसरी पार्टी शायद ऐसा कुछ तो घोलमाल बनता है और उसके बाद जो है अंकुश बदला लेगा, ऐसा कुछ जो मुझे समझ में आया ट्रेलर से। ऑल्दो अंकुश चौधरी के बारे में मैंने जब दगड़ी चौल 2 का टीजर रिएक्शन किया था तो मैंने गलत बोल दिया था, गलती से मैंने बोल दिया था कि ये डेब्यूटेंट है और बहुत अच्छी फिल्म है इनकी इस हिसाब से। मैं एक्चुअली बोलना चाह रहा था जो चंद्रकांत कांसे है डायरेक्टर, उनके बारे में मैं बोलना चाह रहा था एज ए डेब्यूटेंट, उनकी बहुत अच्छी फिल्म है, मैंने गलती से अंकुश चौधरी का नाम ले लिया था। अंकुश चौधरी को अनडाउटेडली मैंने उसमें देखा था जिस देश में गंगा रहता है। नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो मुझे जो बॉलीवुड से शिकायत रहती है वही, आपने जो विलन दिखाया है वो हिंदू दिखाया है, बैकग्राउंड में जो गाना चलता है वो भी सॉन्ग चलता है शंभो, माता की आरती करते हुए आप डैडी को दिखा रहे हो। चलिए ये मैं मानता हूं कि इसमें जो हीरो है और जो विलन है वो दोनों एक ही धर्म के हैं, इसलिए हम ये उंगली नहीं उठा सकते कि आप सिर्फ हिंदू को विलन दिखा रहे हो या आप उसको पूजा करते हुए दिखा रहे हो। एक तो यार जब शैम्पू करते हैं तो बाल बड़े अजीब से हो जाते हैं, ये वाला पॉइंट मैं समझ सकता हूँ, डिफेंस ये हो सकता है इस मेरे इस पॉइंट का, मेरी इस बात का, लेकिन अगर उसको थोड़ा कम करके दिखाते तो ज़्यादा ठीक रहता, अदरवाइज तो चलिए ठीक है। कुछ एक सीन है जो मुझे बहुत अच्छे लगे, जो मैंने टीजर रिएक्शन में भी कहा था, अगर आप टीजर रिएक्शन देखना चाहते हैं तो ये यहाँ पे एक लिंक है, यहाँ पे आप जा सकते हैं और मेरी जो प्लेलिस्ट है मराठी मूवी रिएक्शंस की उसमें आप जाके डैडी चौल 2 का टीजर रिएक्शन देख सकते हैं। उसमें भी मैंने कहा था कि इसकी जो सिनेमेटोग्राफी है वो बहुत अच्छी है, टीजर वाला जो सीन था और इसमें ये वाला जो सीन है ये देखिए, इस सीन को देख के मजा आता है, मजेदार सीन है, मजा आता है इसको देख के, अच्छा लगता है कि हम अच्छी मूवी देख रहे हैं, जितना अच्छा मजा आता है उतना ही डर लगता है मकरंद देशपांडे से। ये सीन अच्छा इसलिए बन पाया है क्योंकि मकरंद देशपांडे की जो एक्सप्रेशन है वो खिल के बाहर आते हैं, वो सीन में चार चांद लगा देते हैं। अगर फिल्म की मैं प्रेडिक्शन करूं कि कैसी होने वाली फिल्म, तो फुल ऑफ ट्विस्ट टर्न्स होंगे इसमें, सूर्या का जो कैरेक्टर है उसके लिए सिंपैथी बनेगी दर्शकों की और मकरंद देशपांडे यानी कि जो डैडी है उसे डर लगेगा। म्यूजिक म्यूजिक की बात करें, रघु पिंजरा चाला, क्योंकि अरे वो बहुत सही सॉन्ग है, सॉन्ग अच्छा है, उस सॉन्ग को देख के मुझे याद आती है चिकनी चमेली, धुन समहाउ बीट्स जो है वो ऐसी ही है, डेजी सा ने इसमें ट्वर्क किया है, ट्वर्क कई लोग जानते हैं क्या होता है कई लोग नहीं जानते, तो इस सॉन्ग को वापस देखना और एक मूवमेंट होता है ट्वर्क लोअर बॉडी के साथ किया जाता है, तो उसने उस तरह का डांस किया, तो नए तरीके का डांस मूवमेंट है क्योंकि डेजी शाह खैर बहुत अच्छी डांसर है वो, नो डाउट, गाना भी बहुत अच्छा है रघु पिंजरा। एक चीज जो मुझे मराठी सिनेमा में मराठी फिल्मों में लगती है वो ये कि पहली मूवी और दूसरी मूवी जो सीक्वल होता है उसके बीच में गैप बहुत होता है, आई डोंट नो इसके रीजंस क्या हैं, चाहे आप टाइम पास 2 के बाद अब देख लीजिए आई है 2022 में, टाइम पास 2 शायद 2015 में आई थी, दगड़ी चौल 1 जो है वो 2015 में आई थी, अब सेकेंड आई है, और भी ऐसे बीच में शायद टकाटक में भी काफ़ी बड़ा गैप था, तो ये गैप क्यों होता है? ठीक है, मतलब एक दो साल का जो गैप होता है वो तो समझ में आता है कि आप मेहनत कर रहे हो, लिख रहे हो, कुछ और अच्छा सोच रहे हो, लेकिन 5-5, 6-6, 7-7 साल का जो गैप है वो, ये था मेरा रिएक्शन, कैसा लगा? नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों मैंने बताए, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, सब्सक्राइब करना है और इंस्टाग्राम पे आपको सपोर्ट करना है, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। देखते रहिए राजस्थानी रिएक्शन, आप सभी को घनी घनी कंबा।